डॉक्टर युवराज जैन राज्य के शासक के अध्यक्ष डॉक्टर पी के जैन सर को आमंत्रित करता हूँ कि भी आए और डॉक्टर पी के बिदौलिया सर को मैं आमंत्रित करता हूँ लंबी अवधि से पामर विभाग के प्राध्यापक हैं वरिष्ठ प्राध्यापक सभी नवागत प्राध्यापिकाएं हैं और इस वर्ष मैं विधायिका मैडम को बताना चाहता हूं कि हमारे महाविद्यालय में कि हमारे जितने भी बच्चों के माँ बाप हैं उन्हें ये शिक्षा लेने चाहिए कि स्कूल की बात मुझे घर में मत सुनाना कि गुरु ने पीटा है कि मारा है कि डांटा है। अगर कुछ सुनाना तो ये सुनाना कि आज हमारे गुरु जी ने हमारी पढ़ाई ये कराई, आज ये पढ़ाया है, आज ये लिखाया है, आज ये बोला है। तो मैं आज गुरुजनों के बारे में एक बात फिर कहना चाहती हूँ कि गुरु के जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। और समस्त भारत देश के गुरुजनों के चरणों में पुनः नमन करती हूँ। और एक बात फिर मैं बोलना चाहती हूँ कि आदमी का मनुष्य का कर्म ही प्रधान है। जैसे अभी हमारे एक गुरु जी ने बोला है कि आप बहुत ऊंचाइयों पर जाए, मैं एक बात फिर बोलना चाहती हूँ, मैं अपना एक ही बात मन में विचार रखती हूँ कि जो मुझे दायित्व दिया है जनता जनार्दन ने, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से निभाऊँ, कहीं कोई ऐसी चूक ना हो कि मुझे लगे कि जो मैं पद पर बैठी हूँ उसका मैं दुरुपयोग कर रही हूँ। मेरा कर्म ही प्रधान है और मैं अपना कर्म ही करती रहूँगी हमेशा और हमेशा। कभी भी कोई भी मेरी विचार रहे पर हमेशा, और मैं सोचती रहती हूँ कि मुझ तक कोई भी पहुँच जाए, मैं उसकी कोशिश करूँ कि वो उसका काम के लिए मैं भरपूर कोशिश करूँ, पूरी कोशिश करूँ, हो ना हो ईश्वर के हाथ में है, पर मैं अपनी कोशिशों से कभी पीछे नहीं हटती हूँ। कभी भी कोई भी स्थिति मेरे सामने आती है, कोई भी क्षेत्र का काम आता है, जैसे आपके कॉलेजों के अतिथि विद्वान मेरे यहाँ गए थे और मैंने उनके लिए भरपूर कोशिश की थी और मैं हमेशा करती रहूंगी। मैं अपने कर्मों से न कभी पीछे हटी हूँ न कभी पीछे हटूंगी। जब विधानसभा का मैंने चुनाव लड़ा था और उसके पहले मैं फार्म डालने के पहले मैं हमारे खैदरा मंदिर है वो बजरंग बली की मूर्ति है मैं उनके चरणों में नमन करने और शीश झुकाने गई थी कि अगर मुझे